हाय गाइस, वेलकम बैक डे 3। और आज मैं रेडी हूँ मथुरा के लिए। अभी हम आगरा में हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड 8 o'clock हम लोग निकल जाएंगे। सीधा हम वृंदावन जा रहे हैं और वहाँ पे जितनी देर तक टेंपल खुले रहेंगे दर्शन वर्शन करेंगे और फिर हम मथुरा आएंगे और शाम को फिर प्लान करेंगे जो भी है। तो हमने गाड़ी बुक कर रखी है, लाइक यहीं से जो आदमी हमें लेके जाएंगे वो पूरा वृंदावन घुमा के लाएंगे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे इतनी भीड़ है कि गाड़ी वाड़ी मिलना मुश्किल है। प्लस सब लोग बहुत लाइक, एक होता ना कि अननोन सिटी में जाओ और आप किसी को जानते नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे ड्राइवर हैं, जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनको हम कहीं ना कहीं जानते हैं। मैं पिछली बार जब शूट पे आई थी यहाँ पे आगरा, तो वो हमारे ड्राइवर हुआ करते थे। तो थोड़ा होता ना कि एक कोई तो है शहर में, अननोन शहर में, जिसका आप जानते हो, और उन्हें मेरे एक परिचित ने वो क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस कराया था, तो इट इज़ अ गुड थिंग। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और मैं हो चुकी हूँ रेडी। राधा रानी बनने का मेरा पूरा वो था, मतलब आई ट्राई टू लाइक लुक लाइक वन ऑफ द सखी। तो ये है मेरा ड्रेस, ये लहंगा बहुत ही पुराना है, इसे मैंने बनाया था जब मैं आई थिंक 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी, और तब से मैंने इसे कभी लाइक किसी अच्छे ओकेजन में पहना नहीं था। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है पहन के। वेट, थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिक्स करती रहती पड़ती है क्या। सो मैं रेडी हूँ, जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और मैं आपको मिलती हूँ। आई एम रियली 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 एक्साइटेड। सो या लेट्स गो। ए अरे, एक चीज़ तो रही गई, मैंने आपको रूम टूर दिया ही नहीं। हम लोग रुके थे रमादा आगरा में, जैसे ये मेरा रूम था, यहाँ पे टीवी भी थी, ये बेड वेड था, आई मीन प्रीटी डिसेंट, ये हमारा रूम था। सो जो पुराना रूम था, जो कमरा हमें मिला था, उसमें थोड़ा उसमें वाटर लीकेज हो रही थी, तो उन लोगों ने अपग्रेड करके ये कमरा दिया। ये 9th फ्लोर पे है, कारपेट लगा है, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट लाइक या तो मतलब ठीक ठाक रेट में अच्छा रूम मिल गया हमें। सो लेट्स गो, मैं लेट हो रही हूँ, बाय। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आसपास। अभी मैं लिफ्ट में तो चढ़ गई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नीचे कौन सी जाती है, ये वाली ये वाली। लुकिंग सो नाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं वृंदावन और अभी हमें दिख रही है माँ वैष्णो देवी धाम। माता जी दिख रही है, फॉर सम रीजन मेरा गोप्रो खराब हो गया, स्क्रीन पे क्या चल रहा है मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट आई नो कि रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सामने दिख रहा है। एरिक, यू सी? हाय गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं। एरिक ने अपनी पैंट बदल ली है क्योंकि उसको पजामे में बड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे हम लोग बार्गेन कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी 3 किलोमीटर पहले ही रोक दी है मंदिर से, क्योंकि बहुत रश है और आगे गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पहले राधा वल्लभ, फिर बांके बिहारी, अम्मी भी पहले बांके बिहारी, फिर राधा वल्लभ, और उस प्रेम मंदिर लास्ट में होगा क्योंकि सारे मंदिर 12 बजे बंद जाते हैं। हमने इतना सारा सामान गाड़ी में डाल दिया है, मेरे पास इतना और ये है वृंदावन की गलियां। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देगा, राधे राधे, क्योंकि हम होली के टाइम गए थे। यहाँ पर आपको हर जगह भीड़ दिखाई देगी और सब लोग ऐसे रंगों में सराबोर थे। होली की वजह से बड़ी गाड़ियों का जाना बंद हो गया था मेन शहर में, इसलिए हमें यहाँ से रिक्शा लेनी पड़ी, जो मंदिर से 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया था। और इस रिक्शा में बैठ के हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले बांके बिहारी। हम लोग प्रॉपर मंदिर के पास नहीं जा पाएंगे रिक्शे से, क्योंकि वो भी अलाउड नहीं था। एक कॉमन रिक्शा स्टैंड पे हमने अपनी रिक्शा रोकी ताकि हम लोग वापस आके सेम रिक्शा लेके अपनी गाड़ी के पास जा पाएं, और वहाँ से हमने वॉक करना शुरू किया। और आप देख सकते हो ये पूरा रास्ता पिंक हुआ पड़ा है, क्योंकि पिछले 8 दिन से यहाँ होली चल रही है, हम तो लास्ट 2 दिन का अटेंड करने आए हैं, और यहाँ पर इतना गुलाल उड़ा है, और रास्ते में जो लोग भी मिल रहे थे कोई भी किसी को भी गुलाल लगा रहा था, एंड हर जगह एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, राधे राधे। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब अगर आप कभी नहीं गए हो वृंदावन या मथुरा, प्लीज़ एक बार होली में जाइए, क्योंकि इससे सुंदर होली पूरे इंडिया में नहीं हो सकती है। बहुत ही अद्भुत अद्भुत दृश्य रहता है वहाँ।
बात नोटिस की इस पूरे ब्लॉग में। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ। तो अगर आप क्राउड देखो तो आपको एक बात रियलाइज होगी, आपको मेल डोमिनेटेड क्राउड दिखाई देगा। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम थी, मतलब हार्डली 10-15 लड़कियाँ मुझे दिखी होंगी इस पूरे भीड़ में। तो जाने से पहले मेरा भी एक कंसर्न था कि क्या ये लाइक फीमेल ट्रैवलर्स के लिए सेफ है, इतनी बड़ी भीड़ में आप अपने आप को कैसे मतलब मैनेज कर पाओगे। तो जाने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया कि ये सेफ है कि नहीं है। माई फ्रेंड वॉज लिटरली वॉकिंग बिहाइंड मी, और मतलब उस बंदे ने बेचारे मुझे इतना प्रोटेक्ट किया ताकि मैं ऐसे भीड़ में क्या बोलते पिस ना जाऊँ। इतना धक्का मुक्की हो रहा था, तो और कोई भी मतलब बदतमीजी या और टाइप का कोई भी गलत बिहेवियर वहाँ पर नहीं हुआ, पर भीड़ बड़ा ही अनकंट्रोलेबल था। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और हम लोग पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के अंदर, जो कि बहुत ही रेयर है इस भीड़ के साथ दर्शन करना। पर हम लोग इतने लकी थे, हम लोग अंदर जाके एकदम सामने सामने दर्शन किए। वहां पे अलाउड नहीं था शूट करना, तो मैंने शूट नहीं किया, पर एकदम सामने सामने जाके हमने दर्शन किया और कलर लगाया। वाह मजा आ गई। बांके बिहारी में दर्शन हो गए, हम जा रहे हैं राधा वल्लभ। अब सबको पता ही होगा राधा वल्लभ टेम्पल कितना मशहूर है। बांके बिहारी और राधा वल्लभ में दर्शन हो गया तो अपना जीवन सफल समझिए, अपना वन जाना सफल हो गया। इसलिए हम लोग बांके बिहारी के बाद सीधा पहुंचे हैं राधा वल्लभ, और यहाँ पे भी इतना सुंदर दर्शन हुआ है। जो भगवान का स्टैचू था ना, उसके बगल में राइट साइड में जगह थी और वहाँ पे खड़े थे हम लोग, मतलब आई थिंक 15 मिनट हम लोग खड़े थे, और पुजारी पूरा वो पिचकारी लेके और हम पे कलर बरसा रहे थे। ओहो हो, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और उन्होंने हमें प्रसाद भी दी। मेरा पूरा कैमरा गीला हो गया था, फ़ोन गीला हो गया था, सब गीला हो गया था, और मेरी शक्ल भी देख लियो पहले कैसा लग रहा था। पर जो आनंद की प्राप्ति हुई ऐसा करके मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ये व्लॉग होली से एक दिन पहले का है, और आज है होलिका दहन। आप देख सकते हो पूरे शहर में होलिका दहन की तैयारी हो रही है, और ये देख के मुझे मेरे गाँव की याद आ रही थी युवराजपुर की, क्योंकि हमारे यहाँ होली इतने बड़े स्केल पर नहीं होती, पर कुछ ऐसी होती थी मेरे बचपन में, तो ऐसी होती थी। और होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगता है होली। लेकिन अब हम यहाँ पर हैं तो इसी वक्त को जी लेते हैं। यहाँ पे हमने बांके बिहारी दर्शन किया, राधा वल्लभ दर्शन किया, और हम जा रहे हैं मथुरा। वहाँ से चेंज करके हम वापस आएंगे खाना वाना खाने के लिए। आज हम पूरा वृंदावन कवर करने वाले हैं रात तक, और कल हम लोग मथुरा में रहेंगे होली के दिन। जब हम मथुरा जा रहे थे तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा था, और ये देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि इतना कलर उड़ रहा था, इतना गुलाल उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था पूरे शहर की होली यहीं पे हो रही थी। और इतना अच्छा गाना बज रहा था वहाँ पे, मतलब लोकल फोक गाना बज रहा था। पर हम इतने गीले हो गए थे और इतने अनकंफर्टेबल हो गए थे अपने कपड़ों में कि हम सीधा मथुरा निकल गए। और हमने सोचा कि जब हम वापस आएंगे शाम को तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।